हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से मुराड़ी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल बीएससी के फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स का पेपर है वो होने वाला है। फिजिक्स का फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पेपर आप सभी का होगा। और इस वीडियो में मैं आप सभी को फिजिक्स के जो मैकेनिक्स का फर्स्ट पेपर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा, जो कि आप सभी को कल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इनमें से ज़रूर 90% क्वेश्चंस आप सभी के ज़रूर मिल जाएंगे अगर हमारे अनुसार रहा तो। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे YouTube चैनल पर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट्स प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर बताइए। सेकेंड है, फर्स्ट का सेकेंड है, एक गतिशील घड़ी का वेग क्या होना चाहिए कि यह एक दिन में एक मिनट सुस्त प्रतीत हो। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 से है, आपेक्षिकता के सिद्धांत, जो कि सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सिलेबस में नहीं है तो एग्ज़ाम पेपर में नहीं आएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि हर साल हमेशा उसमें से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आप सभी उससे जो सेकंड चैप्टर है आपेक्षिकता के सिद्धांत उसको भी ज़रूर देख लें, और उसमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेपक की गति दूसरे प्रक्षेपक की गति के सापेक्ष सरल रेखा में होती है। ये आप सभी को फर्स्ट जो चैप्टर है निर्देश तंत्र वाला उसमें से क्वेश्चंस है। तीसरा क्वेश्चन है, रॉकेट का सिद्धांत बताते हुए उनके अंतिम वेग के लिए निम्नांकित संबंध वी इजिकल टू वी नोट प्लस वी आर लॉग ई एम नोट अपॉन एम स्थापित करो। ये आप सभी का जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से पूछा गया क्वेश्चन है। फोर्थ है, ग्रह के गति के लिए केपलर के नियमों का उल्लेख कीजिए एवं केपलर क्षेत्रफल नियम को व्युत्पन्न कीजिए। ये आप सभी का कैप्टर को नियम के बारे में पूछा है, जो जो सेकंड लो है उसके बारे में। पांचवा क्वेश्चन है, एक चलित आवृत्ति के लिए अवकलन समीकरण स्थापित कर अनुनाद सहित विभिन्न स्थितियों को समझाइए। छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक उपग्रह पृथ्वी की सतह के निकट चक्कर लगा रहा है तो उसके आवर्त काल की गणना कीजिए। सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवमंदित सरल आवर्त गति आवर्त दोलक क्या होता है, एक न्यून अवमंदित सरल आवर्धी दोलक के लिए विस्थापन का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, नियत संरक्षी बल क्षेत्र में एक कण की सरल रेखीय गति का वर्णन कीजिए कि अकेंद्रीय बल संरक्षी बल का उदाहरण है। नवा क्वेश्चन है, लोरेंज रूपांतरण के कारण लंबाई संकुचन को व्युत्पन्न कीजिए और किसी छड़ की लंबाई के अनुदिश किस वेग से गति कराए कि उसकी लंबाई में संकुचन 40% हो जाए। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, लोरेंज रूपांतरण समीकरण जो है वो उसी जो सेकंड चैप्टर है आप सभी का आपेक्षिकता का सिद्धांत उसी से आया हुआ क्वेश्चन है। जो सोर्स क्वेश्चन की मैं बारे में बात करूँ तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, समय वृद्धि सत्यता का कोई उदाहरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय को समझाइए। तीसरा है, प्रणोदित सरल आवर्त दोलन किसे कहते हैं। चौथा है, फोकोलोलक क्या है, पृथ्वी अक्ष के गुणन के लिए सत्यता सिद्ध करो। पांचवा है, आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिग्रहिता दीजिए। और छठा है, असंरक्षी बलों में अंतर कीजिए। रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन को समझाइए और प्रकीर्णन व संघटक प्राचल ने संबंध बताइए। तो ये इम्पोर्टेंट आप सभी को क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, एक बार आप सभी इनका रिवीजन कर ले, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी को इनमें से एग्जाम में से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कल। और सेकंड पेपर के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड होता है आप सभी के पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को याद करने हैं कल के एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।